जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के निर्देश पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति कसरावत और न्यायाधीश विवेक जैन राकेश भिड़े जी द्वारा ग्राम काछीपुरा में विधिक साक्षरता एवं मध्यस्थता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायाधीश राकेश भिड़े ने बताया कि यदि हम धैर्य एवं स्वयं का पालन करते हैं तो हम बहुत से कानूनी परेशानियों का सामना करने से बच जाते हैं। जैसे एक थप्पड़ मारने जैसे मामूली विवाद पर मामला न्यायालय में पहुंच जाता है और उसमें थाने से लेकर न्यायालय तक कितना बड़ा अमला इस मामले को सुलझाने में लग जाता है। यदि हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो न्यायालय जाने से बच सकते हैं। साथ ही न्यायाधीश द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की भी जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया गया कि मध्यस्थता आज की आवश्यकता है क्योंकि इसमें न किसी की हार होती है न ही जीत, दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। कार्यक्रम का संचालन पैरा लीगल वॉलंटियर अकील खान द्वारा किया गया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। की जरूरत लगती है, सीधा हम विधिक सहायता जो केंद्र है तहसील स्तर पर, हमारे तहसील जो जिला तहसील स्तर पर जो हमारे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश वो उसके अध्यक्ष होते हैं और जिले के जिला न्यायाधीश, हम कहीं पर भी इसका आवेदन दे सकते हैं। तहसील स्तर पर तहसील में हम दे सकते हैं, वहाँ पर हम पैरा लीगल वॉलंटियर, एक मैं हूँ, एक भाई हम पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी हम बैठते हैं। यदि साहब उस वक्त व्यस्त है तो हमको भी आवेदन दे सकते हैं या सीधे आप साहब को भी आवेदन दे सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। और यह हर दूसरे दिन की घटना है, तो रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत नुकसानदेह है। जो व्यक्ति जिसको हमने सुबह हस्त पुष्ट देखा या जो अच्छा है बाजार किसी काम से गया कसरावत, रास्ते में आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बात पहले भी किसी बलकवाड़ा के जो एक शिविर में बलकवाड़ा मैंने बताई है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, घर का कोई व्यक्ति साथ में नहीं है और आप लोग जो चले गए, सामने से कल्पना कीजिए कि भिलगांव के आसपास जो है घटना घट गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई ठोक के चले गया। आपको फोन पर सूचना दी कि आपके जो परिवार के सदस्य को जो है एक्सीडेंट हो गया है, मोबाइल गिरा हुआ था, मोटरसाइकिल का कल पुर्जे उधर साइड में गिरा हुआ है, मोबाइल और डायरी चेक कर पता चला कि पिताजी के नंबर लिखे हुए थे, भर लगाया, सामने दो वाले व्यक्ति जाने वालों ने हमने डायल को जो फ़ोन लगाया और देखा कि हाँ जैसे ऐसा नंबर लिखा हुआ, ये गाड़ी का नंबर ही आपके कोई परिचित है के द्वारे, ये तो हमारा बेटा है या हमारा भतीजा है, काका है, बाबा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। फोन के माध्यम से हमको सूचना मिली, अब हम चाहेंगे कि उस व्यक्ति को जिसने एक्सीडेंट किया उसको सजा दिलाना चाहे। हमको गुस्सा आएगा कि यदि हमारा राजीनामा नहीं हुआ, उसने कोई यदि माफिक जो है पैसा नहीं दिया या क्लेम नहीं मिला, हम बोलेंगे कि पैसा नहीं दिया है, इसको जो है अब सजा दिलाना है। घटना हमने देखी नहीं, केवल हमको सूचना मिली, रास्ते चलते लोगों ने आपके व्यक्ति को देखा है गिरते हुए या एक्सीडेंट होते हुए। बेलगांव में घटना हुई, बालसमुद का व्यक्ति देखने वाला है, उस व्यक्ति का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।